आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस महत्वपूर्ण विषय का नाम है कोलंबो प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है विदेशों में काम करने वाले श्रमिक, जिन्हें हम प्रवासी श्रमिक के नाम से जानते हैं, उनके अधिकार किस तरह से सुरक्षित रहते हैं और किस तरह से सरकारें उनके कल्याण के लिए कार्य करती रहती, उसी से संबंधित है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों का एक मंच है जिसकी स्थापना 2003 में कोलंबो में हुई थी और इसी कारण से इसे कोलंबो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यह एशियाई देशों का ऐसा मंच है जो प्रवासी श्रमिकों के हितों में काम करता है। इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो यह प्रवासी श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा की गारंटी की बात करता है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाता है। अभी हाल ही में इसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था जो प्रवासी श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर और रोजगार प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही साथ कोलंबो प्रोसेस के सदस्य देश आपस में मिलकर प्रवासी श्रमिकों के माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए भी कार्यरत रहते। अब हम बात करें कोलंबो प्रोसेस में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं, तो इसमें फिलहाल में 12 सदस्य देश शामिल हैं एशिया के। उसमें है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम। अभी हाल ही में कोलंबो प्रोसेस की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब से इसकी स्थापना हुई थी अर्थात 2003 से अभी तक में भारत पहली बार 2024 में इसका अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए ये टॉपिक आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस विषय से संबंधित कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मिल जाएंगे। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.